कैमरे के सामने कह रहा हूँ, चार लोग टेस्ट करके देखे थे कल। अच्छा, मतलब रहता है ना, अरे यार कितने बैठेंगे चेक करते हैं। अच्छा। इसमें एक बड़ी कमी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आप ये जो बैंड पाइप है, एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, इतना गाइस आज हमारे पास है होंडा शाइन 100 और साथ में यूजर है शिवम। शिवम ने इसको कल ही खरीदी है, तो आज समझेंगे कि भाई स्प्लेंडर क्यों नहीं खरीदी, ये शाइन 100 क्यों खरीदी, और यार जैसे कि अभी ये नई मोटरसाइकिल है, ये शाइन 125 से कितनी अलग है। देखने में तो भाई बिल्कुल ही अलग है, मतलब आप जब देखोगे ना आपको ऐसे फोटो में या वीडियो में कम समझ आएगी, बट जब आप इसको रियल में देखोगे ना तो 125 शाइन और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो भी कवर करेंगे। तो शिवम, सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझे आप ये बताओ, यार तुम्हारे पास बहुत सारी मोटरसाइकिल है, एक्सपल्स की भी मैंने यूजर रिव्यू करा है, क्लासिक भी है, तो फिर ये क्यों खरीदी, क्या रीजन था इसको खरीदने का? इसका मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए थी। तो एक्टिवा भी है तुम्हारे पास? एक्टिवा का मेन फैक्टर ये है कि एक्टिवा का माइलेज इतना नहीं। ओके, उसका माइलेज फैक्टर वाली जो बात थी। अच्छा, तो एक ऐसी चाहिए थी जो माइलेज अच्छा निकाल। हाँ, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसका माइलेज थोड़ा अच्छा हो और इजीली कम्यूट हो, थोड़ा लाइट वेट हो। इसी सेगमेंट में स्प्लेंडर भी आती है, हीरो की और मोटरसाइकिल है, तो वो सब क्यों नहीं खरीदी जो ऑलरेडी ट्रस्टेड है, काफी टाइम से है, ये तो नई आई है मार्केट में। ओके, तो इसका क्या है फंडा? स्प्लेंडर हो गई, पैशन हो गई, डीलक्स हो गई, ये और प्लेटिना हो गई, ये सब गाड़ियां मतलब मैं पहले यूज कर चुका हूँ। स्प्लेंडर कम से कम मैंने 3 से 4 साल यूज करा है, 2012-14 में मैं यूज करता था उस टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल हो गई थी। और उसके साथ अगर नहीं, अभी तो स्प्लेंडर में तो कमाल के फीचर है यार, लेकिन अभी भी फिलहाल उसका जो लुक है, लोग अभी भी वही स्क्वायर वाला हेडलाइन, मतलब मैं रख चुका हूँ, इसलिए मुझे नई चाहिए थी। अच्छा, मेरा सीधा तो मतलब सीधा फंडा यही था कि नई आई कुछ थी, नया चाहिए था मुझे, कुछ नया टेस्ट करना था। अच्छा, माइलेज वगैरह का कुछ एक्सपीरियंस कैसा क्या, जैसे स्प्लेंडर तुमने रखी थी कितना मिलता था उसमें? स्प्लेंडर का मैं आपको फैक्ट माइलेज बताऊँ, 50 से 55 होता है, चाहे कैसे भी चला लो, भगा लो चाहे स्लो चला लो, पैशन, स्प्लेंडर, डीलक्स 60-65 जा सकता है, लेकिन स्प्लेंडर और पैशन का 50 से 60 के भाई, ये जो है ना यूजर का माइलेज है, तो ये आप नोट कर सकते हो। शाइन 125 भी देखी थी कि वो ऑप्शन नहीं, मुझे ऑप्शन में नहीं, मुझे तो 100cc की बाइक चाहिए थी। अच्छा, यही प्लेटिना का मैंने कंसीडर करी थी, लेकिन फिर मुझे होंडा पे ज्यादा। कितने की पड़ी ये फाइनल? ये मुझे कंप्लीट पड़ी है 84,000 की विद एसेसरी। 84,000 ऑन रोड भोपाल विद एसेसरीज। एसेसरीज में क्या इंक्लूड है? इसका लेग गार्ड है, साड़ी गार्ड है, सीट कवर भी इस पे लगा नहीं है, इसमें अभी अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, ठीक है, तो वो भी लगा के देंगे। यार इसको जैसे कि अभी तुमने ज्यादा तो नहीं चलाया, लगभग 40 किलोमीटर चलाया, 42 किलोमीटर सामने मुझे दिख रहा है, तो 42 किलोमीटर में कुछ चीजें समझ आई कि भाई चलने में कैसी है? क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट लग रही है ये गाड़ी, में बहुत को समझ में आ गया। हम लोग तो मतलब देखिए, हमारा ऐसा है कि आप चलाएं मैं चलाऊं, हम लोग 5-10 किलोमीटर की गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा चीजें है ना उसी टाइम समझ में आ जाती है कि गाड़ी परफॉर्म कैसा कर रही है। इसका रिव्यू तुम भी डालोगे अपने चैनल? मैं डालूंगा, इसका प्रॉपर रिव्यू करूंगा, मैं इसके बहुत सारे टेस्ट करूंगा, माइलेज टेस्ट वगैरह। मतलब कि अगर कोई नया बायर है और वो उसको डाउट्स अगर इसको लेके, शाइन को लेके, तो वो वीडियो देखने के बाद उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यार जैसे मैंने पूछा कि चलने में कैसी है, मुझे बहुत कॉम्पैक्ट लग रही है, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी, कल ही देखी रात में तुमने दिखाई, जहाँ तक मैंने इस गाड़ी को देखा पहली बार जब मेरा फर्स्ट लुक था, उसके बाद जब मैंने इसको खरीदा, चलाया और प्रॉपर देखा अच्छे से, तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे एलिमेंट जो है कॉमन मिल जाएंगे। ड्रीम नियो जो आती थी, इसका हेडलैम्प भी वही है, ये भी वही है, पीछे का टेल लैम्प भी वही है, इंडिकेटर्स भी वही है, और कुछ पैनल्स वगैरह हुआ उसी से इंस्पायर्ड है इसका टैंक, लेकिन जो है वो उससे बहुत ज्यादा चेंज है। इसका टैंक थोड़ा सा प्लेटिना जैसा लगा मुझे, मतलब बहुत ज्यादा छोटा सा था, कॉम्पैक्ट से है, 9 लीटर का इसकी कैपेसिटी भी कम है थोड़ी सी, ठीक है। और तो यार कुल मिला के जो ड्रीम आती थी 100cc है, आप ड्रीम से इंस्पायर्ड, आप इसको कैसे से इंस्पायर्ड है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जो है पूरा ड्रीम न्यू का ही है, बट इसका नाम शाइन रख दिया क्योंकि भाई होंडा का बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है शाइन, तो उसी में थोड़ा सा इसकी सेल भी बढ़ेगी डेफिनेटली नाम की वजह से। और शाइन अगर इसको बोला है ना, तो शाइन की जो क्वालिटी होती है, मतलब जो खासियत होती है शाइन की, वो ये होती है कि गाड़ी एकदम साइलेंट होती है, ज्यादा आवाज नहीं करती है। मैं देखिए आपको चालू करके बताता हूँ, साइलेंट तो है भाई, मतलब जैसे वो स्मूथ भी मिल लग रही है, स्मूथनेस है, शाइन का नाम दिया है ना, तो शाइन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इस गाड़ी में है, स्मूथ लगी चलाने। और भगाई अभी कितनी? मैंने उसको 70-75 तक भगाया अभी, बहुत है यार, 60 मतलब 100 मतलब और जाती है, ऐसा नहीं कि दम तोड़ रही थी, चल रही थी, लेकिन क्या नई गाड़ी है, मैं नहीं इसको ज्यादा इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, अभी नॉर्मली चला रहा हूँ। बाकी सस्पेंशन वगैरह कैसे? सस्पेंशन इसके बढ़िया है, मतलब अगर कोई रूरल एरिया से भी अगर इस गाड़ी को देख मतलब खरीदने का कोई सोच रहा है, प्लान कर रहा है, तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि मैंने इसको कल चलाया पिलियन के साथ, तो अच्छे से इसने परफॉर्म किया। सीट इसकी मैं आपको बताना चाहूँगा, स्प्लेंडर और इसकी सीट में बहुत ज़्यादा फर्क है। स्प्लेंडर की सीट थोड़ी नैरो है और इतनी लंबी नहीं है। अच्छा, इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगी, और इसकी जो बैठने का जितना बैठक है इसकी, वो भी सही। बाकी ये वाला कलर और कलर कौन कौन से आते हैं? टोटल 5 कलर्स हैं, एक ग्रीन आता है, एक रेड आता है, एक ब्लू आता है, एक गोल्डन आता है और एक ग्रे आता है।
ठीक है, मुझे पर्सनली ये ज्यादा पसंद था तो मैंने यही खरीदा। और ये E20 रेडी है भाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, E20 की बैजिंग यहाँ पे है, तो मतलब 20% एथेनॉल वाला जो फ्यूल आता है ना वो भी आप इसमें डलवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ फीचर्स भी हैं कि बस ऐसे सादी गाड़ी है? फीचर्स के नाम पे तो मतलब इस गाड़ी पे ऐसा कुछ है नहीं जो एक बाइक में आता है, बेसिक बाइक में, और इंडिकेटर यही सब चीजें। इस गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट है, वो तो अब आज के टाइम पे जरूरी है ही। उसके साथ इस गाड़ी में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ दिया हुआ है, मतलब इसमें भी वो चीज ऐड है सेफ्टी को लेके। स्टैंड लगा रहेगा तो आपका जो गाड़ी ऑन नहीं होगी, गियर में रहेगी तो। और गाड़ी में कॉम्बी ब्रेक भी है तो ब्रेक्स उसके काफी बढ़िया लगे मुझे। बाकी वैसे कोई फीचर्स इसमें, कनेक्टिविटी वगैरह नहीं? बेसिक गाड़ी है, कोई इसमें कुछ नहीं है। इवन अगर इसका मीटर भी आप देखेंगे तो एनालॉग मीटर है सोई वाला, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा एक्यूरेट मुझे लगता है, स्पेशली फ्यूल गेज। अच्छा, तो भाई ये भी है, जैसे स्प्लेंडर से आप थोड़ा सा इसको कंपेयर करोगे तो स्प्लेंडर एक्सटेक में पूरा डिस्प्ले डिजिटल आ गया है, बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें, उसमें फीचर्स ज्यादा है। इसमें भाई सादी गाड़ी है बट ये परफॉर्म अच्छा करेगी, माइलेज अच्छा निकाल के देगी। होंडा का इसमें आपको ट्रस्ट देखने को मिलेगा और शाइन की ब्रांडिंग तो है ही। लाइट वगैरह कैसी है रात में? रात में इसका थ्रो अच्छा है, अपर इसका कुछ ज्यादा ही ऊपर है मेरे हिसाब से, इसको सेटिंग हो जाएगी, शोरूम में कराऊंगा इसकी सेटिंग, लेकिन थ्रो अच्छा है इसका, हेलोजन है तो बढ़िया है। ठीक है, तो कुल मिला के जो पर्पस था तुम्हारा कि भाई मुझे एक ऐसी गाड़ी मिल जाए, ऐसी मोटरसाइकिल मिल जाए जो कि डेली इधर उधर जाने में हेल्प करे, बिल्कुल, और घर वाले भी चला सके, तो अभी ये फुलफिल हो रहा है ना? ये फुलफिल हो रहा है और गाड़ी कंफर्टेबल भी बहुत है। अच्छा अच्छा, दो तीन लोग भी इसमें, जैसे बहुत लोग बैठा के चलाएंगे? मैं आपको झूठने बोलूंगा, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, चार लोग टेस्ट करके देखे थे कल। अच्छा, मतलब रहता है ना, अरे यार कितने बैठेंगे चेक करते हैं। अच्छा, तो चार लोग बैठ गए थे इस पे। तो भाई वैसे बैठाना मत, मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैंने टेस्ट किया था गाड़ी पे बैठा के देखा, चलाई नहीं थी, मैंने कहा बैठ के देखते कितने बैठ पाए। बट हाँ, छोटी सी अगर कोई कमी हो तो वो बताना चाहो तो बता सकते हो अगर भी। मैं वो ये कमियां जो मुझे थोड़ी सी फील हुई, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका टैंक का जो डिजाइन है ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, खास नहीं लगा, बहुत ज्यादा पतला सा लगा। अच्छा, तो पता नहीं क्या सोच के डिजाइन किया, मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है गाड़ी के साथ। इसमें एक बड़ी कमी है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आप ये जो बेंड पाइप है, एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, इतना ज्यादा पतला है, ये देखो मेरी बीच वाली उंगली है, ये देखो कवर कर लिया, बहुत पतला है लग रहा है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने ऐसे मोड़ दिया ना इसको, तो ये मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा नीचे से, मुझे लगता है अगर टकराएगा तो सीधा टूटेगा, डैमेज। अगर ये ज्यादा, अगर आपने थोड़ा कच्चे रास्ते में जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पत्थर वत्थर अगर इसमें लग गए तो ये डैमेज होना गारंटीड है, क्योंकि देखिए आप, बस ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यार जैसे किलोमीटर्स होते हैं 500,000, तो और कमियां पता चलेंगी तो आपको मालूम चली जाएगी, वीडियो बना ही दूंगा। अच्छी चीज़ें हो तो कुछ बता दो। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि गाड़ी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मेरे पास जितनी गाड़ियां हैं वो सारी हैवी हैं, उनको इधर उधर आगे पीछे करना और ट्रैफिक में थोड़ा चलाना थोड़ा सा एक्टिक हो जाता है, क्योंकि थोड़ा वेट ज़्यादा है, लेकिन इसको जब से मैं चला रहा हूँ बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं साइकिल वगैरह चला रहा हूँ, लेकिन मुझे वैसे ही फील हो रहा है। तो कॉम्पैक्ट है, आराम से कहीं भी अपन जो भी इस गाड़ी को ले जा सकते हैं, लेकिन वेट बहुत कम है यूजर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यही है यूजर का रिव्यू, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।